अस्सलाम वालेकुम, ज़ैद हशाम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन, कराची। मुझे ज्वाइन किया है हाफिज़ हारून ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बात करेंगे 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्रिसेंट के हवाले से, कि रेजिडेंशियल के हवाले से कौन सा प्रिसेंट सबसे नज़दीक है मेन गेट से, और इसमें हमें अगर प्लॉट बाई करना है किस ब्रैकेट में हमें प्लॉट ईजिली मिल जाएगा। सबसे पहले हमें बताइएगा 1000 स्क्वायर यार्ड के प्रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्रिसेंट है जो मेन गेट से पास भी है, और किस सराउंडिंग में भी हमें फैमिलीज़ जो शिफ्ट हो चुकी हैं वो देखने को मिलता है। अच्छा ज़ैद भाई, मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रिसेंट सेवन इसकी हमें सराउंडिंग में क्या देखें। इसकी सराउंडिंग में बैरिगा हाइट्स आ रहे हैं, ठीक है। प्रिसेंट 10 ए के विलाज आ रहे हैं, ठीक है, और प्रिसेंट 6 आ रहा है, प्रिसेंट 8 आ रहा है, ठीक है। और ये सारा डेवलप्ड प्रिसेंट है? बिल्कुल, टोटली तौर पर 100% डेवलपमेंट हो चुकी है। स्ट्रीट्स टोटली तौर पर डेवलप हैं और रोड्स भी कम्प्लीटली तौर पर डेवलप हैं। और इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेटस, मतलब कितने विलाज रेडी हैं? इसमें अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर आपको 20 से 25 घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इधर करंट रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो करंट रेट्स चल रहे हैं, अगर आप अपना प्लॉट ले के अपना घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ से ले के 3.5 करोड़ के ब्रैकेट में अच्छा कैटेगरी का प्लॉट मिल जाएगा। 3 से 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में हमें प्रिसेंट 7 में अच्छा प्लॉट मिलेगा। अच्छा हारून भाई, हमें इसके बाद बताइएगा 1000 स्क्वायर यार्ड का एज आ इन्वेस्टमेंट के हवाले से कौन सा प्रिसेंट बेस्ट है? अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ तो वो प्रिसेंट 38 है। 38 क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है और अंडर विद इन 6 मंथ वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। 6 मंथ में डेवलपमेंट हो जाएगी। अभी मतलब कितना डेवलप हुआ है वो? अभी उधर रोड और स्ट्रीट्स ग्रेस्ट बन रहे हैं, ठीक है, और अंडर 6 मंथ जो है वो टोटली तौर पर वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा, अगर हम अभी वहाँ पे प्लॉट बाय करते हैं तो हमें कितनी प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगा? अगर हम अभी प्लॉट बाय करते हैं तो ये गुड लक है, ठीक है, और यहाँ पे हमें अभी इस वक्त जो प्लॉट मिलेगा वो 1.60 करोड़ से लेके 1.90 करोड़ और 2 करोड़ की ब्रैकेट में हमें अच्छा कैटेगरी का प्लॉट मिल जाएगा। 1 करोड़ से 60 to 1.90 करोड़ की ब्रैकेट में हमें अच्छा कैटेगरी का प्लॉट मिल जाएगा। और इस प्रिसेंट की सराउंडिंग्स में क्या देखने को मिलता है? इस प्रिसेंट की सराउंडिंग में अगर बात करूँ तो बहरिया ने प्रिसेंट 37 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और बहरिया इसके बिल्कुल साथ बहरिया ग्रीन के जिधर बहरिया ने 75 स्क्वायर यार्ड की कटिंग दी थी वो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब काफी अच्छी सराउंडिंग है, सराउंडिंग है बहुत, और ये बहुत ही हाइटेड लोकेशन का प्रिसेंट है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी नजर में ये अच्छा प्रिसेंट है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छा प्रिसेंट है, ठीक है। हारून भाई ने हमें बताया प्रिसेंट 7 एज अ रेजिडेंशियल के लिए बेस्ट है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रिसेंट 8 के अंदर या आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो प्रिसेंट 38 में आप प्लॉट लेके उसके होल्ड करें और इंशाल्लाह आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रिसेंट में प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो हम आपकी खदमत में हाजिर हैं। और फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स। अल्लाह हाफिज़।